कौन सा सनस्क्रीन ज्यादा ऑयल निकालता है. सो लेट्स चेक द बटर पेपर टेस्ट. हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक. आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल. सो आज हम करने वाले हैं 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द सेरेमाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन फ्रॉम द डॉक्टर शेड्स. यू गाइस नो हाउ मच वी हैव लव्ड इट एंड ये हम ऑलरेडी इसकी 4 ट्यूब्स फिनिश कर चुके हैं एंड वी आर ऑन द 5th ट्यूब ऑफ दिस सनस्क्रीन. इफ यू गाइस रिमेंबर, ये मैंने आपको दिखाई थी लास्ट ईयर अपने किसी समर स्किन केयर एसेंशियल वाले वीडियो में. इसका एज सच एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बन पाया है, तो आई थॉट कि एक वो भी हो जाएगा थोड़ा सा, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ड्यूरिंग दिस 1 ईयर हमें क्या ऐसा फील हुआ इस सनस्क्रीन के साथ कि हम यू नो इसको बार बार रिपर्चेज कर रहे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आती है जिसपे ऑलमोस्ट आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. इट्स SPF ऑफ 50 एंड PA+. ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, विच मीन्स इसके अंदर आपको मिनरल एज वेल एज ऑर्गेनिक फिल्टर्स मिल जाएंगे, एज वेल एज ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो आपको UVA एंड UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट करती है. एंड दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन इज फॉर्मुलेटेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट. एज यू ऑल नो दैट डॉक्टर शेथ हैज कम अप विद देयर 90 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट. टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स अ जेल क्रीम कंसिस्टेंसी विच ब्लेंड्स लाइक मक्खन, इंस्टेंटली सिंकिन हो जाता है आपकी स्किन में विदाउट लीविंग एनी वाइट कास्ट एंड ग्रीसीनेस ऑन योर फेस. रीएप्लीकेशन इज वेरी वेरी ईजी, डजन स्टिंग इन द आईज, कोई पीलिंग इसके साथ आपको फेस नहीं होती है. नाउ व्हाई वी हैव रिपर्चेज दिस अगेन एंड अगेन, नाउ ये मैंने अपने लिए रिपर्चेज नहीं करी थी, अपने हस्बैंड के लिए बार बार रिपर्चेज करी थी. रीजन बींग, यू गाइज नो कि जो मेन्स होते हैं दे आर नॉट इन टू यू नो लेंथी प्रोसेसेस. उनको ये होता है कि बस एक कोई चीज दो मुझे जिसको मैं लगाऊँ एंड आई एम डन. सो दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस सनस्क्रीन कि इट्स अ वन स्टेप रूटीन. लाइक आप सिर्फ इस अकेले को यूज करो एंड यू आर सॉर्टेड, यू डोंट नीड टू गो फॉर योर सेरम एंड मॉइस्चराइजर. नाउ सीरम यूजली हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज उनके अंदर होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट सो दैट यू नो हमारी स्किन रिपेयर करे, यू नो हाइड्रेशन के लिए या हम लगाते हैं या ब्राइटनिंग के लिए हम सीरम लगाते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको वो तीनों चीजें ही मिल रही हैं. यहाँ पे आपको 2% वाइटामिन सी का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा. 1% इसके अंदर डाला हुआ है हैलुरोनिक एसिड जो विद इन आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा. नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है 1% ऑफ सेरामाइड कॉम्प्लेक्स जो आपकी स्किन को रिपेयर एंड रिप्लेनिश करने में हेल्प करेगा. तो सीरम का काम हो गया है ना, सीरम के सारे चीज़ें सारे गुण इसके अंदर डले हुए हैं. मॉइस्चराइजर की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज इसका जो टेक्सचर है दैट इज जस्ट लाइक यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर. यू कैन जस्ट सिंपली यूज दिस वन एंड यू आर गुड टू गो. माइट बी लाइक ये कौन कौन सी स्किन टाइप पे सूट करेगी, ये ऑल स्किन टाइप वाला प्रोडक्ट है. इवन अगर आपका ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है स्टिल इट्स गोना वर्क वंडरफुली बिकॉज मेरे हस्बैंड का स्किन टाइप है ऑयली और मेरा स्किन है कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन. ड्राई सिर्फ इस एरिया में होता है और इस एरिया में मुझे ड्राइनेस फील होती है, तो हम दोनों पे ही ये परफेक्टली सूट करी है, कोई ऑयलीनेस नहीं होती. और मुझे तो बेशक कॉमेडॉन्स की भी प्रॉब्लम है तो मुझे भी एज सच यू नो कोई कॉमेडॉन वाली प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है जब मैंने इसको यूज़ किया है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यू नो फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करती हैं. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड रियली रियली वेल. उसका मैं एग्जाम्पल अभी आपको दूंगी. हम करेंगे एक बटर पेपर टेस्ट जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑयल रिलीज करता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो बटर पेपर होता है वो यू नो ऑयल को सोक करेगा, है ना, ऑयल उसमें से निकलेगा प्रोडक्ट से. तो मैंने यहाँ पे 3-4 सनस्क्रीन्स ली हैं वेल नोन ब्रांड्स की, उनको हम कंपेयर करेंगे इस सनस्क्रीन के साथ. हम रखेंगे इसको 1 घंटे के लिए और चेक करेंगे कि कौन सा सनस्क्रीन ज़्यादा ऑयल निकालता है. सो लेट्स चेक द बटर पेपर टेस्ट. You can see the results are really really visible. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही कम ऑयल उस पेपर पे लगा हुआ है as compared to the rest of the sunscreen. So here is the proof कि हाँ ये बहुत ज़्यादा आपको oily feel नहीं देगी. It's a well formulated formula which will suit all skin types. But yes, this sunscreen is not pregnancy safe. तो अगर आप pregnant हैं और lactating mother हैं, like breastfeeding mother हैं, then please do not use it because इन्होंने अपने box के पीछे भी यहाँ पे sign बनाया है that it's not pregnancy safe. And I'm hoping कि
जल्दी यू नो वो इस तरह के टेक्सचर्स के साथ एक प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन के साथ भी आए। फीडबैक ब्रांड को जा चुकी है, आई होप वो जल्दी उस पर काम करके एक प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन भी हमारे लिए ले आए। तो इफ यू इंटरेस्टेड टू परचेज दिस वन, आई हैव अ स्पेशल कोड फॉर यू विच इज़ भावना 20 फॉर 20% ऑफ। वैसे तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट अगर आप ये कोड लगा लेते हो तो आपको ये और ऑफ मिल जाएगी। ये कोई एफिलिएट कोड नहीं है, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट फॉर यू गाइज टू अवेल एक्स्ट्रा 20% ऑफ। सो ट्राई करना अगर किसी ने अभी तक ट्राई नहीं करी है, और अगर किसी ने ये ट्राई करी है तो अपनी फीडबैक प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ देना, सो दैट बाकी के जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।